हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम अचला सप्तमी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की जानकारी। दोस्तों, माघ मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला सप्तमी का त्यौहार मनाया जाता है। इसे सूर्य सप्तमी रथ, आरोग्य सप्तमी, सूर्य रथ सप्तमी और कई नामों से जाना जाता है। इस सप्तमी को सूर्य जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से सौभाग्य, सुंदरता और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने से संपूर्ण माघ मास के स्नान का फल प्राप्त होता है। भगवान सूर्य देव को आरोग्यदायक कहा जाता है। इस दिन नमक का सेवन कम करना चाहिए और व्रत रखना चाहिए। इस व्रत में सूर्य देव की उपासना से रोगों से मुक्ति मिलती है और भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। भगवान सूर्य की ओर मुख करके सूर्य स्तुति करने से चर्म रोग समेत सभी गंभीर रोग नष्ट हो जाते हैं। सूर्य देव को अपना दिव्य रूप सप्तमी तिथि को ही मिला था और संतानें भी इसी तिथि को प्राप्त हुई थी। इस दिन दीपदान का विशेष महत्व है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को दान देना चाहिए और इस व्रत को श्रद्धा से रखने पर पिता पुत्र में प्रेम बना रहता है। इस दिन सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। सुबह नित्य कार्यों से निवृत्त होकर सूर्य देव को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। अर्घ्य देते समय जल में लाल चंदन, रोली और लाल रंग के पुष्प डाल के सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। मीठा भोजन या फलाहार करना उचित रहेगा। इस व्रत में सौभाग्य रूप संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान सूर्य को जल देते समय उनका खास मंत्र है, जो इसका जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को जल देना चाहिए और इस दिन स्नान, दान, पूजा से कई हजार गुना फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं, तो सूर्य देव की पूजा में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी उचित रहेगा और सूर्य अष्टकम का पाठ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो लाइक के बटन को दबा के नीला कर दीजिए और वीडियो को आगे बढ़ा के शेयर कर दीजिए। और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।